नमस्कार, मध्यमेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं साई कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हनुमान चौक बालाघाट, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त जिले का सर्वश्रेष्ठ संस्थान जहां है DCA, PGDCA, MSc CS, MSW, MA English, MSc Math और BCA। निजी स्कूल की अनिश्चितकालीन हड़ताल का पालक संघ करेगा विरोध। हड़ताल के विरोध में पालकों ने दी FIR दर्ज करने की चेतावनी। 3 माह पूर्व बेचे गए चने का किसानों को नहीं मिला अब तक बोनस। सरकार के इस रवैये से किसान हुए नाराज। तेंदुए की खाल को बेचने निकले 2 आरोपियों को बैहर पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5 लाख की खाल बरामद। प्रेम संबंध के चलते एक युवती ने किया कीटनाशक दवाई का सेवन। संतान की दीर्घायु के लिए माताओं ने रखा व्रत। हर छठ पूजा कर की सुख समृद्धि की प्रार्थनाएं। और कृष्ण जन्माष्टमी पर बाजार हुआ गुलजार। जन्माष्टमी पर जिले भर में होंगे विभिन्न कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। अपने विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 28 अगस्त को एक दिवसीय स्कूल बंद कर सरकार से अपनी सभी मांगें पूरे किए जाने की गुहार लगाई थी। साथ ही मांग पूरी न होने पर 5 सितंबर से हमेशा के लिए स्कूल बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी थी। एसोसिएशन की इस चेतावनी से पालक संघ काफी नाराज है, जिन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज करने व एसोसिएशन की शिकायत करने की बात कही है। शनिवार को जयस्तंभ चौक स्थित डॉक्टर अंबेडकर भवन में पालक संघ की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय व निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पालकों ने निजी स्कूल की इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को मनमानी बताते हुए उनकी इस हड़ताल का विरोध करने की बात कही है। साथ ही निजी व सरकारी स्कूलों में स्थित विभिन्न कमियों को दूर किए जाने का प्रयास करने की बात कही है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पालक अजमत खान ने बताया कि निजी स्कूल के संचालक अपनी मांगों की पूर्ति के लिए धरना प्रदर्शन व आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन वे अपनी मांग की पूर्ति के लिए स्कूल बंद कर बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। उन्होंने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अनिश्चितकालीन बंद के आह्वान का विरोध करने एवं उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की चेतावनी दी है। आज हम लोगों ने पालक लोगों की मीटिंग रखी थी, जिसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पालक, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पालक लोग हम एक संघ बनाना चाह रहे हैं, जो शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों की हो या सरकारी स्कूलों की, उससे हम लोग उसमें लड़ना चाहते हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा ये था कि ये जो प्राइवेट स्कूल वाले अभी 28 तारीख को उन्होंने किसी सरकारी किसी योजना के खिलाफ प्राइवेट स्कूल अपना बंद रखा था, तो हम ये चाहते हैं कि आप अपनी मांग सरकार से करिए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों बच्चों को बंद रख के बच्चों की शिक्षा से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप उनको शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते। तो इन्होंने एक और घोषणा की है कि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम 5 तारीख से अनिश्चितकालीन स्कूल बंद कर देंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हम ये चेतावनी देते हैं अगर यहाँ प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी और तानाशाही चलाएंगे तो हम लोग सख्त विरोध करेंगे और इसके खिलाफ हम एक FIR भी दायर करेंगे और जिला कलेक्टर साहब को, जिला शिक्षा अधिकारी को हम ज्ञापन देंगे कि यह हमने एक ज्ञापन 27 तारीख को दे ही है कि सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। ये जो 28 तारीख को इन्होंने बंद किया था, ये अनुचित है। बच्चों को शिक्षा से वंचित करना बिल्कुल गलत बात है, तो हमारा ये विरोध हम दर्ज कराते हैं सारे पेरेंट्स लोग। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जिला उपाध्यक्ष सुश्री नसीम खान ने बताया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो निश्चित तौर पर प्रदेश एसोसिएशन के आह्वान पर 5 सितंबर से स्कूल बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। पालक संघ के विरोध किए जाने को लेकर की गई चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि वे अपनी मांग पूरी करने के लिए जेल में जाने व डंडे खाने के लिए भी तैयार हैं।
बैहर पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों ही आरोपी अन्य जिलों के हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पकड़ा गया है। तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम जिला डिंडौरी ग्राम अगवार निवासी राजेश मरकाम और ग्राम सिमरिया निवासी अमर सिंह ध्रुवे बताया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से तेंदुए की खाल सहित एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन दोनों आरोपियों द्वारा एक साल पहले डिंडौरी जिले के समनापुर के जंगल में फंदा डालकर तेंदुए का शिकार किया गया था और वे तेंदुए की खाल को बेचने की फिराक में थे। उसी दौरान पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। आरोपियों की इस करतूत का खुलासा पुलिस लाइन स्थित एक पत्रकार वार्ता में किया गया। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बैहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सूचना मिल रही थी कि कुछ व्यक्ति जो है लगातार शिकार किए हुए वन्य जीवों की खाल बेचने के लिए बैहर तरफ घूम रहे हैं। उसी तारतम्य में आज सुबह सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति हैं, एक उसमें डिंडोरी का राजेश मरकाम है और एक अमर सिंह है जो थाना मोतीनाला मंडला का रहने वाला है। ये जो है बैहर में इनकी डील हुई है, एक तेंदुए की खाल बेचने के लिए आए हैं। इस सूचना पर सब इंस्पेक्टर मानस द्विवेदी के द्वारा टीम बनाकर उसको दबिश दी गई। तो मौके पर उनके पास में एक चीते की खाल और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दोनों व्यक्ति ने पूछताछ में यह बताया था कि लगभग दो साल पहले इन्होंने जो है समनापुर के पास का जो जंगल है लगा हुआ, वहाँ पर शिकार किया था जाल बिछाकर। उसके बाद में उसकी खाल को उन्होंने संभाल कर रख लिया था और अभी चूँकि इनकी डीलिंग हुई थी, करीबन 5 लाख रुपए में इनकी डील हुई थी, उसी डील को पूरा करने के लिए दोनों अपने अमर की मोटरसाइकिल से बैहर आए थे। सूचना पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनसे खाल बरामद की गई। अनुमानित कीमत लगभग उसकी 5 लाख। सर क्या ये हमेशा ही इसका धंधा करते थे क्या? इस संबंध में इनसे पूछताछ की थी तो इनका ये कहना है कि एक व्यक्ति था जो डिंडोरी का रहने वाला है, वो इनको साथ में लेके गया था और चूँकि वो उनका ने बताया कि ये मर गया है, वो व्यक्ति वो पहले कई अपराधों में शामिल रहा ऐसा इनका कहना था, परंतु ये पहली बार इस तरह का इन्होंने ये डील करने आए थे। सर शिकार कहाँ हुआ है? सर ये इसका शिकार ये समनापुर के पास में लगा हुआ जंगल है डिंडोरी में। क्या इन्हीं लोगों ने किया था, किसी और ने किया? इन्होंने किया था, इनके साथ में एक और व्यक्ति था जो मर चुका है ऐसा इनका कहना। भारतीय डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों की तर्ज पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई है। 100 से अधिक प्रकार की सेवा देने वाले इस बैंक का शुभारंभ शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका लाइव प्रसारण नगर के नूतन कला निकेतन में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य समारोह में दिखाया गया। जो डिजिटल वॉल के माध्यम से विलेज ऑफ द फ्यूचर 2023 प्रदर्शित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस प्रदर्शनी का अवलोकन, साथ ही स्वयं इस डिजिटल वॉल को ऑपरेट करके सफलता की कहानियां जन जन तक पहुंचाई जा रही है। किस प्रकार ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आने वाले समय में भविष्य में ग्रामीण इलाकों में किसान हो, चाहे खुदरा व्यापारी, चाहे एक सामान्य सा मजदूर ही क्यों ना हो, सबका ख्याल रखता है भारत शासन का उपक्रम इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। आपके द्वार तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने के लिए परिलक्षित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक नाना प्रकार की सुविधाओं। बैंक के शुभारंभ के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद बोध सिंह भगत ने अपने संबोधन में बताया कि कई गांवों में बैंकों की कमी है और प्रत्येक गांव में बैंक नहीं खोला जा सकता, जिसके चलते प्रत्येक गांव में पहुंच रखने वाले डाक विभाग को इंडिया पोस्ट पेमेंट की सौगात दी गई है। अपने देश में अभी डाकघरों का कुछ काम कम हो गया था और मोबाइल का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना, कंप्यूटर का ज़माना, पहले डाक चिट्ठी भिट्टी तार वगैरह सभी
पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराई जाती थी ग्राहकों को, लेकिन धीरे धीरे हमने तो संचार के मामले में इतनी ज़्यादा क्रांति आई है कि डाकघरों की सेवाएं थोड़ी सी प्रभावित हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि डाकघर पूरे देश में बंद करना पड़ेगा। पर धन्यवाद देते हैं हमारी प्रधानमंत्री जी को, बहुत दूर तक सोचते हैं वो, उन्होंने देश में बैंकों की वैसे भी कमी, अभी ग्रामीण इलाके में पर्याप्त बैंकिंग व्यवस्था नहीं होने के कारण बहुत तकलीफ जाती जनता को, काफ़ी तकलीफ, रोज आवेदन आते हैं कि हमारे यहाँ बैंक खोल दो, शाखा खोल दो, कियोस्क बैंक खोल दो, तो लेकिन सरकार खोल नहीं पाती, उतने अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध करना, भवन उपलब्ध कराना। तो उन्होंने देखा जितने देश में डाकघर है इन्हीं को ही बैंक का बैंक में ट्रांसफ़र करके जनता को इसकी सुविधाएं उपलब्ध कराना, और आज से ये सब शुरुआत हो रही, निश्चित इससे ग्राहकों को, जनता को बहुत बड़ी सहूलियत होगी। और बहुत सारे गांवों में जो ऐसे डाकघर हैं जहां पर यानी अभी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं है और जनता को बहुत पाँच पाँच दस दस किलोमीटर नेशनलाइज बैंक में आना जाना पड़ता है, बहुत कतार लगी रहती है, बहुत सारी जो सेवाएँ अभी यहाँ पर है जो। वहीं आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डाकघर बालाघाट प्रवर अधीक्षक अतुल तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि पोस्ट बैंक में लेन देन अंगूठे के थंब के आधार पर होगा, जिसमें धोखाधड़ी होने के कोई चांस नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एक फोन कॉल करने पर डाकिया खुद लोगों के घर घर जाकर उन्हें बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगा। महोदय का अभी स्टेज पे ही खाता खुला है और उनका जो QR कार्ड जनरेट हुआ है वो भी हम लाइव प्रसारण के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि महोदय को जो है हस्तगत करने जा रहे हैं। पेमेंट बैंक का संपूर्ण ट्रांजेक्शन कैशलेस होगा। एक टोल फ्री नंबर भी आपको दिया जाएगा जो कि उस पर आप कॉल करते हैं तो अपने घर बैठे पोस्टमैन जो है वो आपके पास आएगा और उसमें आप लेन देन अपने खाते में करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों को पानी की बोतल, साड़ी व जूते चप्पल का वितरण किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा दी गई चप्पल में केमिकल मिला हुआ है जिससे लोगों में कैंसर फैल रहा है। ऐसा आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा नगर के काली पुतली चौक में मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। शिवराज चौहान आए आए, साथी चौहान आए आए, सौरभ शिवराज जी चौहान आए आए। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों को 18 लाख चप्पलों का वितरण किया गया था जो कि सरकारी लैब में फेल हो चुकी है और लैब की रिपोर्ट में उस चप्पल से कैंसर होने की बात है। उन्होंने CM द्वारा बांटी गई इस चप्पल को चुनावी प्रोपोगंडा करार दिया है। शिवराज सिंह चौहान द्वारा अभी जो चुनावी वर्ष में आदिवासी भाई बहनों को 18 लाख की जो चप्पलें बांटी गई हैं उस चप्पल में कैंसर जो केमिकल पाया गया है उससे सीधे कैंसर हो रहा है और अभी अभी हमारे आदिवासी जो बहन भाई हैं वो चप्पल पहन रहे हैं तो उनको पूरे पैर में रिएक्शन हो रहा है और उसमें सरकार, हम नहीं कह रहे हैं, सरकार की जाँच एजेंसी कह रही है कि उसमें वो खतरनाक केमिकल है जिससे कैंसर होता है। शिवराज सरकार द्वारा ये 18 लाख जो चप्पल बांटी गई हैं ये हमारा कहना ये था कि चप्पल बांटने के पहले इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई। ये आदिवासियों के साथ खेल करना है, गुमराह करना है और चुनावी वर्ष में ये उसका प्रोपोगंडा है। तो हम चाहते हैं कि आज देखिए शिवराज सरकार हर जगह हर क्षेत्र में फेल है। आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम देखिए अनाप तनाप बढ़ गया है और सिर्फ चुनावी माहौल में ये आपको जनता को बरगला रही है, लेकिन जनता और आम आदमी पार्टी ये होने नहीं देगी। आपकी जनता, आज की जनता जागरूक हो गई है और हमारे जो जनता है वो समझदार हो चुकी है, जो शिवराज के बहकावे में नहीं आने वाली है और आने वाले चुनाव में जनता इसका जोरदार जवाब देगी। केरल राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भरवेली के युवाओं ने आज मॉल नगरी भरवेली में घूम घूम कर लोगों से चंदा इकट्ठा किया। इस नेक काम में स्थानीय व्यापारी बंधु और ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया। इस कार्य में युवा इमरान खान, मोनू पटेल, मोबिन खान, अमोल नंदा, ईश्वर अकेला, नोशु रहमान, अंशुल मेशराम, साजिद खान, मकसूद खान, मंजीत उइके,
सत्येंद्र इनवाती, विक्की मर्सकोले, जैकी सरभांग, गोलू विमल नंदा, सुधीर मसराम, जावेद खान और अन्य युवाओं का सहयोग सराहनीय रहा। प्रेमी द्वारा शादी नहीं करने से व्यथित होकर एक लड़की ने कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 18 वर्षीय यह लड़की भरवेली थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसका टेकाड़ी गठिया टोला के एक युवक के साथ प्रेम संबंध था। उस युवक द्वारा शादी करने से मना कर दिए जाने से लड़की बहुत व्यथित हो गई थी और मानसिक तनाव में आकर लड़की ने कीटनाशक पदार्थ थाइमेट का सेवन कर लिया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। किसानों को उनकी खरीफ की फसल चना का बोनस नहीं मिलने से उनमें आक्रोश व्याप्त हो गया है। किसानों द्वारा चना सहकारी समितियों को बेचा गया था, जिसका बोनस नहीं मिलने की शिकायत किसानों द्वारा संबंधित अधिकारियों को की गई थी, जिसकी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। खुरसौड़ी के किसान शंकरलाल नकपुरे ने कहा कि शासन द्वारा प्रति क्विंटल 100 रुपए बोनस दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी उन्हें अब तक चने का बोनस नहीं दिया गया है। बोनस नहीं मिला तो वे अगले वर्ष से फसल व्यापारियों को ही बेचेंगे। शंकरलाल नकपुरे, कहाँ रहते हैं आप? खुरसौड़ी। अच्छा, ये बताइए, आपने चना बेचा था खुरसौड़ी समिति में, तो उसका बोनस मिला कि नहीं मिला? नहीं, बोनस नहीं मिला। क्यों नहीं मिल पाया बोनस? अब क्या मालूम सरकार कितनी डालती है कितनी डालती है, ये भी अपने को पता नहीं। तो बोनस मिलने का था उसमें? अब मिलेगी करके तो बोल रहे हैं। तो कितना क्विंटल बेचे थे आपने? 21 क्विंटल। तो यहाँ के अधिकारियों से तो पूछा होगा साहब, हमारे खाते में बोनस नहीं आया करके। पूछ रहे हैं तो बोले वो भोपाल से डलेगी बोल रहे हैं। कितने माह हो गए आपने गेहूँ चना बेचे हुए? 3 माह हो गए। तो नहीं आया क्या? नहीं, क्या समस्या है? वो डालेगी सरकार, जब लेंगे चना देना है। वो सरकार है, चुनाव आ रहा है, वोट लेने के लिए किसान को लालच दे रही कि बोनस डालेंगे। रामचंद बसेनी। बसेनी जी कहाँ रहते हैं? खुरसौड़ी। खुरसौड़ी में रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने चना कहाँ बेचा था? मंडी में। मंडी में बेचे थे? कौन सी समिति को बेचे थे आपने? सरकारी। अच्छा, खुरसौड़ी की समिति को बेचे थे। कितना क्विंटल बेचा था आपने? 36 क्विंटल। अब कितने का हुआ था? ये हुआ था 1,11,000। पैसे मिल गए उसके? और पैसे वो चना के बोनस का नहीं मिला। बोनस का क्यों नहीं मिल पाया? अब वो सरकार डालेगी पैसे उसमें, जब ही मिलेगा। तो बोनस का कितना बनता है आपका? बोनस का बनता है अपना, ये लगा लो 3600 रुपये। 3600 रुपये। तो अभी तक तो अधिकारी लोग क्या कहते हैं? तो अधिकारी के तो पास आते हैं तो कुछ भी बताते हैं, बोले केंद्र बैंक भोपाल से डलेगा। खुरसौड़ी सहकारी समिति के डाटा ऑपरेटर देवेंद्र नकपुरे ने कहा कि किसानों को चनों की राशि का भुगतान किया जा चुका है, जिसकी जानकारी संबंधित सहकारी केंद्रीय बैंक को भेज दी गई है। खुरसौड़ी सोसाइटी के अंतर्गत जितने भी किसान लोगों ने अपना चना बेचा है, उनको बोनस नहीं मिल पाया, तो क्या प्रक्रिया थी चना बोनस को लेकर के? सर जी, चना में ऐसा था कि 4400 रुपये उनका समर्थन रेट था और 100 रुपये शासन ने बोली थी कि बोनस देंगे करके, तो किसानों को एक्चुअल उनके 4400 के हिसाब से तो पेमेंट सभी को भुगतान हो चुका है, बट रही बात बोनस की, तो बोनस की हमने सारी डिटेल्स चना खरीदी होने के बाद 15 तारीख के दिन हमने सारी डिटेल वगैरह दे दिए बैंक में। बैंक से भी डिटेल शायद भोपाल चले गई है, भोपाल से बोनस कब डलता है इसके बारे में सर फिर हमें भी कोई जानकारी नहीं। तो ये इतनी परेशानी क्यों आ रही है बोनस को? अब सर ये सब ऊपर से ही बताएंगे सरकार। आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया इस संबंध में? इस संबंध में 2-4 किसानों ने भी उनसे पूछे कि सर कैसा क्या है, तो उनने भी अब वही बताए होंगे जो ऊपर से डलेगा बोनस करके। वहीं इस संदर्भ में चर्चा करने पर कृषि विभाग के उप संचालक राजेश त्रिपाठी ने कहा कि चने की प्रोत्साहन राशि अब तक शासन से प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही राशि प्राप्त होगी सभी किसानों के खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी। सर, किसानों ने समर्थन मूल्य पे चना अपना विक्रय किया था सोसाइटी के माध्यम से, उनको बोनस मिलना था लेकिन अभी तक बोनस नहीं मिल पाया। चने का जो प्रोत्साहन राशि है जो 100 रुपये प्रति क्विंटल मिलना है, वो अभी आज दिनांक तक शासन से अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही प्राप्त होगा तो वो पूरा किसानों के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। चने के साथ साथ में अभी मूंग उड़द भी जो गर्मी में खरीदी हुआ है उसका भी अभी राशि नहीं प्राप्त हुई है, और ये शासन से हम लोग डिमांड किए हुए हैं जैसे प्राप्त होती है सभी किसानों को खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। सर, चना का बोनस कितने किसानों को देना है? सर,
चना का एग्जैक्ट फिगर तो अभी हमारे पास नहीं है, लगभग 5 से 6 हज़ार किसान हैं जिनको हमको बोनस देना है चने का। और ये अभी किसान जो है तो अभी चूँकि शासन से प्राप्त नहीं हुई है राशि, हम लोगों ने डिमांड लेटर भेजा हुआ है गेहूँ चना का और मूंग उड़द का भी, और जैसे ही प्राप्त होती है सभी किसानों में मेरा ये मतलब अपील है कि अभी चूँकि शासन ने डिक्लेयर किया है लेकिन राशि अभी किसी भी मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में नहीं गई है, तो जैसे शासन देना चालू करेगा सभी ज़िलों में जाएगा, पूरे मध्य प्रदेश में बालाघाट में भी आएगा और वो तत्काल किसानों के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा राशि। सर ऐसे कितने जिले कितने किसान हैं जिनको कितनी राशि वितरित करना है सर चना चने में? जी लगभग हमारे यहाँ 85,000 कुंटल का चने का खरीदी हुआ है, 100 रुपये कुंटल के हिसाब से लगभग ये करीब करीब 85 लाख के आसपास रुपए हमको हस्तांतरित करना होगा, ये राशि जैसे आएगी वैसे हस्तांतरित किया जाएगा। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में शनिवार को हलषट का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व में महिलाओं ने अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर शंकर भगवान, मां पार्वती और भगवान गणेश व कार्तिकेय की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें महिलाओं द्वारा संतान की दीर्घ आयु व सुख संपन्नता के लिए पूजा अर्चना की जाती है। भगवान देव की पुत्र हे देव की, आपने तीनों लोगों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। अपने अभिमन्यु के मारे जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है, शोक से देखिए तो उसका बेटा जो था तो हरछट माता ने जैसे उसको बलिदान दिया जैसे उसका बेटा वापस दिया, उसे हरछट माता की रक्षा करती रहे, सबके बाल बच्चे अच्छे रहे। बोलो हरछट माता। देव की पुत्र हे देव की, आपने तीनों लोगों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। अपने अभिमन्यु के मारे जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है, शोक से पीड़ित होकर के वह जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने पांचों पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही है। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दंद हो रही है, क्योंकि अति दुष्ट अश्वधामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निषेध कर दिया। इस प्रकार संसार में संतति के शोक से उत्पन्न हुआ ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीव दीर्घायु और आरोग्य हो और उसकी संतति उत्तम हो। तो हे देवेश, उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जी जाएगा। हाँ इधर का नहीं गिर रहा पानी, जलाई नहीं रहा है, वो जलाई खूब नहीं जल रहा। आप करो, हमने कोशिश करो जलाने की कोशिश करो ना। कुछ कुछ बारीक लकड़ी सूखी है, मैंने खो दी जी, उसका हाथ लगाया जैसे रखी नहीं। इसको भंडार कहाँ से लाए? सन गरुड़ा सन सन गरुड़ा सन सन
मैं किरण शर्मा आईटीआई के पास में रहती हूँ। दीदी ये आज हर छठ तो माता की पूजा की जाती है। इससे क्या होता है, अपने बच्चों के लिए पूजा की जाती है, बच्चों की लंबी आयु के लिए पूजा की जाती है। क्या मान्यता रहती है इसकी? इसमें मान्यता ये है कि मतलब बच्चों की लंबी आयु होती है। कैसी विधि रहती है इसकी? क्या है इसमें, गणेश जी की मतलब प्रतिमा बनाई जाती है, पार्वती जी की भी प्रतिमा बनाई जाती है, और उसमें फिर विधि विधान से पूजा की जाती है। सुहागन औरतें चूड़ी बिंदी वगैरह चढ़ाती हैं, बच्चों के खेलने की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि ये बच्चों का उपास है। साथ में गौरा मैया बैठी रहती है, इसलिए सुहागनों का भी उपास है, इसलिए सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। एकीकृत महिला बाल विकास परियोजना वारा सिवनी के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केंद्र 2 जोड़ापाठ कायदी में पोषण आहार सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आज आंगनवाड़ी केंद्र से पोषण आहार जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्राम की महिलाएं शामिल रही। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। इस पर्व को लेकर जहां एक ओर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं इस पर्व ने बाजार की रौनकें एक बार फिर लौटा दी हैं। इस पर्व को लेकर कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण की रंग बिरंगी मूर्तियां बाजार में बिक्री के लिए उतारी हैं। इसके अलावा लाई चने मुरमुरे टोकरी व अन्य पूजन सामग्रियों की जमकर बिक्री हो रही है। लेकिन इस त्योहार में भी अन्य त्योहारों की तरह महंगाई का काफी प्रभाव दिख रहा है, जिसके चलते मूर्तियां बनाने वाले कलाकार अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं। ये को होना डिस्को जा मूर्ति छोटी है जरूर, नाम संजय टरंगी जी। बताइए आप मूर्तियाँ बनाते हैं? हाँ। तो कितने सालों से मूर्तियाँ बना रहे हैं? मूर्ति तो हमको 25-30 साल हो गए, मेरी उम्र का, नहीं तो हमारे दादा बाबा से ही चलते हुए आ रही है, तो बनाते हुए आ रहे हैं। तो इस काम में आपको किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है? दिक्कत तो हमारे को ये मट्टी की जा रही है अभी। कैसी दिक्कत आती है? दिक्कत ये है कि अभी जैसे पहले यहाँ मिल जाती थी मट्टी वट्टी, तो अभी ये सब सरकारी डिपार्टमेंट बन गए तो सब बंद हो गए हैं अभी, तो यहाँ से नहीं हम लोग बाहर से खरीद के ला रहे हैं अभी, 5,000 रुपये ट्रैक्टर से अभी खरीद के लाना पड़ रहा है। और इतनी दिक्कत आ गई है कि हम लोग को ना ट्रैक्टर घुसता ना कुछ दुखता है यहाँ पर, यानी कि बहुत परेशानी है सोच लो लाने ले जाने की। और क्या परेशानी आती है? परेशानी अपन को महंगाई का क्या असर पड़ा? महंगाई तो बहुत हो गई है, कलर ऐसा हो गया है, पहले हम लोग 3-4 रुपये तोले का कलर ला लेते थे, आजकल वो कलर 15-20 रुपये तोले का कलर हो गया है।
भाद्रपद के कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाए जाने वाले कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर नगर के विभिन्न मंदिरों में आकर्षक सजावटें की गई हैं। साथ ही इन मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सर, कल जैसे देखा गया कि जन्माष्टमी है, क्या क्या कार्यक्रम होंगे कल? कल सुबह 10:30 बजे भगवान का अभिषेक होगा और दिन के 12 बजे भगवान की श्रृंगार उपरांत भोग आरती होगी। शाम को 5 बजे से जनता के दर्शनार्थ झांकी खुली रहेगी। रात्रि के 10 बजे तक ये झांकी उपलब्ध रहेगी। यहाँ के भजन मंडली के द्वारा भजन कार्यक्रम आयोजित होंगे जो 11:30 बजे रात्रि तक चलेंगे। 12 बजे रात्रि को भगवान की जन्मोत्सव आरती संपन्न होगी, प्रसाद वितरण कार्यक्रम होगा। उसी समय जय जवान जय किसान सेवा समिति के द्वारा मटकी फोड़ गोपाल काला उत्सव भी संपन्न होगा। जनता दर्शनार्थ के रूप में आती है, भक्तजन दर्शनार्थी के रूप में आते हैं। पंडित जी, बताएं ये मंदिर का निर्माण कब हुआ था? ये मंदिर का निर्माण 1896 में राय बहादुर मुन्ना लाल साहु के द्वारा कराया गया था। क्रमशः फिर इसका निर्माण प्रकृति उसी अनुसार होती चली गई। क्या खासियत इस मंदिर की? इस मंदिर में भगवान शिव का जो शिवालय है, सन 1911 में 6 महीने तक घी की धार से भगवान का अभिषेक हुआ था, भगवान शिव का। आज भी ये स्थान इतना सिद्ध है, लोग सिर्फ दर्शन करने आए तो स्वास्थ्य लाभ होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदने के लिए प्रदेश सरकार ने किसानों के पंजीयन की तारीख बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार ने पंजीयन की इस तारीख को 11 सितंबर से बढ़ाकर 20 सितंबर कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी इस संशोधित आदेश के अनुसार अब किसानों का पंजीयन सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन खसरा व वन अधिकार पट्टे की छाया प्रति व अन्य दस्तावेज की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, जिसकी तमाम जानकारी तहसीलदार राम बाबू देवांगन द्वारा दी गई है। किसानों को पंजीयन में अब सहूलियत हो सकती है ताकि वो अपनी ऋण पुस्तिका लिया करके पंजीयन करवा सके। सर, ऐसे कोई आदेश आए हैं क्या? अभी तक हमारे पास शासन से इस तरह का कोई भी आदेश अभी तक नहीं पहुंच पाया है। जो शासन इस तरह के निर्देश जारी किए हैं, ऐसा हमें अखबार के माध्यम से पता चला है। निश्चित रूप से बालाघाट जिले के किसानों को इससे सुविधा होगी, क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज खसरा ऋण पुस्तिका और बीवन लेकर उनको बुलाया जाता था, जिससे उनको अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब मात्र खसरा या ऋण पुस्तिका की 100 प्रमाणित प्रति अगर किसान लेकर उपार्जन केंद्र पर जाता है तो उनका पंजीयन तत्काल हो जाएगा। और जो भी समस्या आ रही है बालाघाट जिले में हमारे किसानों को, उसका हम लोग परेशानियों का सरल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और डेट भी बढ़ गई है, 20 तारीख हो गई है पंजीयन की डेट, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के जितने भी किसान हैं जो हर साल अपना धान का उपार्जन करते हैं, उनका पंजीयन हम समय सीमा पूर्ण कर लेंगे। मंडी प्रांगण लालबर्रा स्थित सामुदायिक भवन में शनिवार की दोपहर में भाजपा किसान मोर्चा विधानसभा बालाघाट द्वारा बलराम जयंती व किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जो जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन के मुख्य आतिथ्य में हुआ। यहां अतिथियों द्वारा भगवान बलराम के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान किसानों को शॉल, श्रीफल व फलदार पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया। आप को किसानों के हित में और हमारे बीच अतिथि महोदय आपको योजनाओं की जानकारी देंगे और जिन भगवान के हमने पूजा अर्चना की है उनने हमारे लिए और इस पर्यावरण के लिए क्या किया है, आपको इन बातों से अवगत कराएंगे। लालबर्रा मंडल के ठाकुर जी और मंच पर उपस्थित महिला मोर्चे की उपाध्यक्ष शोभा सोनी जी, महिला मोर्चे की अध्यक्ष अनीता अग्रवाल जी और अभी हमारे बीच में उपस्थित जनपद पंचायत लालबर्रा के उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल जी,
मंत्री प्रतिनिधि कन्हैया रामडाले जी और मंच पर उपस्थित सभी किसान मोर्चा के पदाधिकारी। शासन का जो उद्देश्य था कि हमारे जो प्रदेश के किसान हैं, जो हमेशा मेहनत करते हैं लेकिन उनको वाजिब दाम, वाजिब बोनस और उनकी जो बहुत सारी समस्याएं हैं उस पर ध्यान दिया जा सकता जाता था। माननीय गौरी शंकर जी जिसे जब से कृषि मंत्री बने हैं, मेरा मानना है कि उन्होंने जब सहकारिता मंत्री थे तो सहकारिता के क्षेत्र में किसानों के लिए जो जीरो ऋण माफी योजना है, जीरो ऋण में आप लोगों को जो लोन प्राप्त करने की सुविधा मिली, और आज कृषि मंत्री हैं तो कृषि मंत्री होने के बाद भी आप लोगों के लिए हमेशा सोचते हैं। अभी अभी आपने फसल बीमा योजना का लाभ बहुत सारे किसानों ने लिया होगा, इसके पहले कीट प्रकोप से जो आपने नुकसान हुई थी उसके माध्यम से भी आपके खातों में पैसे आए हैं, और इसके पहले जो बोनस की राशि आप लोगों को आई, ये सारी राशियां। लालबर्रा में भी हर छठ का पर्व श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ भी महिलाओं ने संतान के जीवन की मंगल कामना और सुख समृद्धि के लिए हर छठ का व्रत रखा। ग्राम पंचायत औल्या कन्हार में महिलाओं द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कर व्रत रखा गया। दाने कौन सी पूजा की गई आज? हर छठ की पूजा की है। क्या मान्यता है इसकी, इसके पीछे इस पूजा में? ये पूजा माने जैसे बच्चों के लिए किया जाता है, माने अपने बच्चे सही माने रहे, उनकी दीर्घ आयु के लिए बच्चों के। प्रतिवर्ष किया जाता है? हाँ, हर वर्ष किया जाता है। सुबह से माने निर्जला व्रत करते हैं हम लोग। और क्या क्या गतिविधियाँ होती है दिन भर में पूजन? दिन भर में बस वही माने सुबह से उपवास रहो और बस अभी पूजा कर रहे हैं उसमें। कितने वर्षों से कर रहे हैं आप यह पूजा? मैं तो 18 वर्ष से कर रही हूँ। कहाँ कहाँ से महिला आती हैं यहाँ पे? यहाँ भी गांव से जा रही हैं। जनपद पंचायत वारा सिवनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम थानेगांव और सिर्रा टोला के बीच का मार्ग अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है।
इस मार्ग में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। साथ ही इस मार्ग में हमेशा कीचड़ भरा रहता है, जिसके चलते इस मार्ग से आवागमन करने वाले स्कूली छात्र छात्राओं, शिक्षकों व अन्य ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने 4 दिनों के भीतर मार्ग का पुनः निर्माण कराए जाने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर स्कूल आना बंद किए जाने की चेतावनी दी है। नाम? कुमारी मनीषा पटले। कौन से कक्षा में पढ़ते हैं आप? 9th में। कौन से स्कूल? शासकीय हाई स्कूल का नाम। कहाँ से आते हैं पढ़ने? थाने गाँव से। तो थाने गाँव जैसे स्कूल आते हैं, मार्ग की स्थिति कैसी है? बहुत ख़राब है, बहुत कपड़े भी भरते हैं। हम डेली स्कूल से आके स्कूल में आते तो हाँ पहले कपड़े धुलते हैं फिर क्लास में अटेंड करते हैं। कितने दिनों से इस तरह से परेशानी बनी हुई है? जैसे स्कूल चालू हुई तब से तभी सही। 2 महीने हो चुके हैं। रोड नहीं बनी है क्या? नहीं। आपके साथ में कितने बच्चे आते हैं? हम पूरे थाने गाँव के आते हैं। पूरे यहाँ जो पूरे रोड में चलने लायक रोड है क्या? नहीं है। नहीं है रोड में? बहुत लोग गिरते भी हैं वहाँ। कितना कीचड़ है फिर भी रोड में? पूरा ही कीचड़। पूरा कीचड़ नुमा रोड है। हाँ, पूरा। तो फिर आपकी साइकिल खराब हो जाती होगी? हाँ, तो अभी पैदल आते हैं। सब पैदल आना पड़ता है? हाँ। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। आपका पूरा परिचय? मैं अरविंद पारदी, प्रभारी प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल थाने गाँव। सर, जो आप स्कूल आते हैं थाने गाँव से सीराटोला का मार्ग है, क्या स्थिति इसकी? थाने गाँव से सीराटोला मार्ग की स्थिति बहुत ही दुर्गम है और हमको प्रतिदिन जितना समय वाराणसी से थाने गाँव आने में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगता है, उससे 2 गुना समय हमको थाने गाँव से सीराटोला आने में लगता है 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में। और सर, अधिकांश बच्चे आपके थाने गाँव से ही आ रहे हैं, किस तरह से पढ़े? हमारे यहाँ 90% बच्चे जो हैं थाने गाँव से ही हैं और 10% बच्चे जो हैं सीराटोला के हैं। सभी बच्चों को आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, प्रतिदिन कोई ना कोई बच्चा गिर जाता है, आते आते उनकी यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। इस वजह से हमारे उपस्थिति जिस दिन भी तेज बारिश होती है उपस्थिति कम रहती है। इस संबंध में आप सरपंच से अवगत करवाए थे? हमने सरपंच से मौखिक रूप से कई बार चर्चा किया, लिखित में भी आवेदन दिया और भी हमारे जो अधिकारी हैं उन लोगों को भी हमने और जनप्रतिनिधियों को भी सूचित किया है। क्या चाहते हैं आप शासन? हम शासन से यही मांग करते हैं कि अविलंब इस सड़क का निर्माण हो ताकि छात्र संख्या बढ़े और हमारा विद्यालय सुचारू रूप से संचालित हो सके। तो छात्र छात्राओं का भी कहना है 8 दिवस के अंदर अगर वैकल्पिक स्थान के आने जाने के लिए तो वो स्कूल भी आना बंद कर देंगे। अब ये उनका मैटर है, लेकिन सरपंच साहब ने कहा था कि हम बहुत जल्दी इस पर वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, अब देखिए क्या होता है आगे। यानी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है इससे मान के मार्ग की वजह से? बिल्कुल, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और कई दिनों तक बच्चे नहीं आते कीचड़ की वजह से। जो बच्चा गिर जाता है वो भी वापस चले जाता है और हम लोगों को भी परेशानी होती है, सिलेबस कम्प्लीट नहीं कर पा रहे हम इस वजह से। साधना गर्डे से आना जाना कर रही हूँ। क्या पदस्थ है आप स्कूल? जी। तो किस तरह से परेशानी हुई? हाँ, हमें तो बहुत परेशानी हो रही है, रास्ते से कीचड़ बहुत हो रहा है, गाड़ियाँ नहीं आ पाती है ठीक ढंग से, स्लिप हो गई एक दिन गाड़ी में, गिर भी गई थी और मेरा हाथ भी स्लिप मतलब फ्रैक्चर हो गया है। 1.5 माह तक के बैंडेज लगा रहा, आज भी मतलब सही हाथ तरीके से उसमें नहीं आया है। अरे, मार्ग की स्थिति मानेगी बहुत जर्जर हो चुकी है। बच्चे भी बहुत परेशान हैं, हर दिन कोई ना कोई बच्चा गिरता है, कल एक बालक गिर गया। सड़क है, कीचड़ है, समझ ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं, समझ में नहीं आ रहा, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए, तब तो बच्चे सही ढंग से स्कूल में आ पाएंगे। दर्ज संख्या कम रहती है, परेशानी के कारण बच्चे नहीं आ पाते स्कूल में। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि यदि समय रहते मार्ग दुरुस्त नहीं किया गया तो वे आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या आपका परिचय? मैं लिखनलाल वैस, भूतपूर्व सरपंच, थाने गाँव ग्राम पंचायत और मेरा निवास स्थान है सीराटोल। मध्य प्रदेश के मुखिया सूरज चौहान जी के द्वारा कहा जाता है कि अमेरिका से अच्छी रोड हमारे मध्य प्रदेश की है, और आपके सिरदा और थाने गाँव के रोड की स्थिति देखकर क्या लग रहा है आपको?
सर इसके बारे में हमको कुछ खेद है, हमने बहुत कोशिश किया, प्रयास किया, यहाँ तक कि हमने विधायक महोदय से भी बोला, सांसद महोदय से भी बोला, लेकिन हमने उनसे ये बोला कि जो रोड तीन तीन बार डामरीकरण हो चुकी है वो रोड आप चौथी बार बनाने जा रहे हो, मुँह गाँव और देव गाँव, लेकिन थाने गाँव और डोंगर गाँव रोड अभी तक नहीं बना, तो पहले इसको बनाना चाहिए ना। हमने अभी खुद उस दिन जिस दिन पेपर पढ़े थे वो रोड स्वीकृत हुई थी। आपका पूरा परिचय? मैं नंदकिशोर राणा, ग्राम पंचायत थाने गाँव सीरा टोला से। ये जो थाने गाँव सीरा टोला की जो दूरी है कितने किलोमीटर की है? ये लगभग 3 किलोमीटर की। क्या स्थिति अभी बस शादी? रोड की हालत तो इतनी ख़राब है भैया कि मतलब आना जाना दुर्लभ है यहाँ से। यहाँ से अगर मान लो ये समझ लो कि अगर रात में या ऐसी किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो यहाँ से कोई फोर व्हीलर वाला या कोई जर्नी एक्सप्रेस या ऐसे कोई साधन वाहन भी नहीं आना चाहेंगे कि यहाँ से किसी पेशेंट को लेकर वाराणसी लेकर जाए अपन। तो अभी किस तरह से परेशानी, तो बच्चे स्कूल भी है गाँव में? देखिए परेशानी तो इतनी है कि बच्चे मजबूरी में आ रहे हैं, सब उनकी मजबूरी है स्कूल आना, फिर भी मेरा ख्याल है कि 50% बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे रोड की वजह से। जैसे बच्चों ने अभी कहा कि बोले अगर 4 दिनों में रोड की स्थिति नहीं बनती, बहुत दिक्कत हो रही, तो हम स्कूल आना बंद कर देंगे। हाँ बिल्कुल, स्कूल बंद हो जाएगा और 4 दिन के अंदर मान लो पूरी रोड ना बने लेकिन आने जाने लायक व्यवस्था हो जाए जी। और उसके बाद में जैसी मान लो मौसम साफ होता है उसके बाद में जैसे विधायक महोदय ने लोकार्पण कर चुके हैं, मतलब सॉरी तुम्हारा भूमि पूजन कर चुके हैं, इस रोड का काम चालू नहीं हुआ, ये अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसके पहले अगर रोड नहीं बनी तो मतदान का यहाँ बहिष्कार हो सकता है। सिद्धा टोला में सब मतदान नहीं होगा यहाँ। ग्रामीण आक्रोशित है यहाँ सिद्धा टोला, बहुत ज्यादा आक्रोशित है यहाँ के ग्रामीण। वारासिवनी के टोंडिया नाले में बहे युवक विनोद वाडिया का शव घटना के 4 दिन बाद शनिवार को मिला। 28 अगस्त को हुई तेज बारिश के दौरान उसकी झोपड़ी में पानी भर गया था। बचाव कार्य के दौरान रस्सी टूट जाने से वह बह गया था। पुलिस और परिजनों द्वारा तलाशने पर भी पता नहीं चला। बालाघाट की होमगार्ड की टीम वारासिवनी पहुंची, जिनके द्वारा आधे घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर टोंडिया नाले से 200 मीटर दूर झाड़ियों से युवक का शव बरामद किया गया। कहाँ के रहने वाले आप? वार्ड नंबर 7। कितने दिनों से लापता थे? मंगलवार। कहाँ पर रहते थे ये? ये इधर रहते थे। वार्ड नंबर सात वारासुनी। तो ये कहीं लापता था क्या? 3 दिन से कहीं गए हुए थे या कहीं काम वाम करने? पानी में गए। ये कैसे बह गए नदी में? नदी में नहाए कर रहे थे जी, बाढ़ आई थी। कौन से पुल से? ये वाले से, वो आगे ऊपर टेकरा से रपटा में रह रहा था, वो वहाँ से आ रहा था। तो भाई कितने दिनों से? 5-5 दिन। तो ये बॉडी कहाँ मिली? अच्छा क्या करते थे ये? ये अपने मजदूरी करता था, बिल्डिंग का काम, बिल्डिंग काम करते। इनका विवाह हुआ है क्या? नहीं अभी नहीं हुआ। इनके परिजन में कौन कौन है? परिजन में 2 बहन 1 भाई और है। अगर अभी अभी एक लाश मिली हो किसकी है? ये मृतक विनोद बाड़िया करके हैं, पिताजी छतर सिंह है और निवासी है गोंडी मोहल्ला निवासी बारासिवनी। सर कितने दिनों से लगभग ये लाश गई? ये समथिंग 3-4-5 दिन का है। सर लगातार कितने दिनों से प्रयास कर रहे हैं? अभी हम लोग को तो खबर आज ही मिली है, तो हम लोग तुरंत वहाँ से टीम बालाघाट से टीम लेके आए थे और बस सर्च करते हुए देखा तो वहाँ पर झाड़ी किनारे फंसी हुई थी, उसको किनारे लगा दिया हम लोगों ने। हाँ सर लाश के परिजनों को बता दिया गया? हाँ लाश के परिजन को पुलिस को सूचित कर दिया। सर किस संबंध में इसकी मौत हुई थी ये पता चल पाया किस? यही पता चला था कि अपना नाले के आगे कहीं झोपड़ बना के रह रहे थे, तो पानी आ गया होगा ज़्यादा तो उस चक्कर में बह गए ये। तो उस समय ये परिवार में अकेले ही रहते थे या कोई और इनके साथ? अभी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, 2-3 पुलिस दे पाएगी इसका जानकारी। वारासिवनी स्थित बचपन प्ले स्कूल के प्रांगण में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। शनिवार को आयोजित इस जन्मोत्सव में स्कूल के सभी बच्चे कृष्ण, राधा, रुक्मणी सहित सुदामा आदि के रोल में दिखाई दिए, जहां सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर बच्चों को भगवान के संदर्भ में जानकारियां दी गई, जिसके बाद मटकी फोड़कर व केक काटकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। अरे अम्मा का दास लोग देखो बाहर से नहीं बैठे, थोड़ा सा मुंह के आस पे ना थोड़ा सा।
के अपने घर का खराब हो जाएगा। सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी फेस्टिवल्स होते हैं अपने इंडिया में, हम लोग सभी फेस्टिवल यहाँ बच्चों के साथ में सेलिब्रेट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने राखी सेलिब्रेशन भी किया और आज हम लोगों ने जन्माष्टमी सेलिब्रेशन किया है बच्चों के साथ में। जन्माष्टमी एक्चुअल में है संडे की, बट हम लोगों ने आज बच्चों के साथ में मिल करके यहाँ पर एक छोटा सा जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया है। त्यौहार को मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? अपने देश में काफ़ी संस्कृतियाँ हैं, काफ़ी त्यौहार हैं जो हम लोग मनाते हैं। इन सब की जानकारी बच्चों को होना चाहिए, बस ये हम लोग का एक मैसेज होता है बच्चों को देना। और हम लोग क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, किसकी जानकारी हम लोग बच्चों को देते हैं। कृष्ण जी का एक्चुअल में जन्माष्टमी में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो उसका हम लोग जन्माष्टमी के रूप में एक ये त्यौहार मनाते हैं। तो हम लोग के यहाँ आज जिन बच्चों का बर्थडे था, हमने स्पेशली उन बच्चों के लिए केक बुलवा करके यहाँ पर केक कट करवाए और उनका बर्थडे मनाया। कृष्ण जन्माष्टमी के मद्देनजर किड्स जी इंग्लिश स्कूल कटंगी में बच्चों द्वारा कृष्ण उत्सव मनाया गया। शिक्षकों द्वारा बच्चों को भगवान कृष्ण की बाल कथाएं सुनाई गई, वहीं बच्चों के द्वारा विविध झांकियां और मनमोहक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई।
जिला गोवारी समाज संगठन व गोठान समिति के सदस्यों ने बस स्टैंड स्थित खिलिया मुठिया देव मंदिर गोठान परिसर से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग को लेकर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने खिलिया मुठिया परिसर में व्याप्त अतिक्रमण को हटाने, गोठान की भूमि खाली कराए जाने की मांग की है। समिति द्वारा दिए गए इस ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने पटवारी, आरआई व अन्य कर्मचारियों की एक टीम को खिल्ला मुठिया देव मंदिर भेजकर गोठान की जमीन में स्थित अतिक्रमण का जायजा लेने व कब्जा करने वालों की सूची बनाने के निर्देश दिए, जिनके निर्देशन पर आरआई पटवारी की एक टीम ने अतिक्रमण का जायजा लेकर एक रिपोर्ट तैयार की। इसका कितना जसरा है? 11/24। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान गोठान विकास संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष संतोष कोर्डे ने बताया कि इसके पूर्व भी कई बार अवैध कब्जा करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए, बावजूद इसके भी जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन गोठान की भूमि से अवैध कब्जा हटाने में नाकाम रहा है। उन्होंने जमीन से कब्जा न हटाए जाने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। अनेकों बार ये गोठान के आजू बाजू अतिक्रमण किया गया है, अनेकों बार जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन को अनेकों बार एप्लीकेशन दिया गया। कई वर्षों से यहाँ गंदगी का आलम यह है कि नगर पालिका प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं करी, और यहाँ के जो पार्षद महोदय यासीन खान, इनको अनेकों बार एप्लीकेशन दिया गया और बोला गया, लेकिन आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं। नए तहसीलदार महोदय ने जो कार्रवाई की है कि यहाँ जितने भी गौठान भूमि में दुकानें टपरे जो लगे हुए हैं, तो इनका नापजोक किया जा रहा है। हमारे समाज को जो परेशानियां होती है, ये गौठान भूमि हमारा खिलिया मुठिया देव पवित्र स्थान है, यहाँ हमें पूजा करने आने जाने की काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन अनेकों बार आवेदन निवेदन किया गया, लेकिन जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और CMO साहब ने कोई कार्रवाई आज तक की नहीं की। हमारे समाज में काफ़ी रोष है और ये पवित्र स्थान में हम लोग को काफ़ी परेशानियां होती है, और अनेकों बार हमारे महिला मंडल, युवा गोवारी समाज संगठन, जिला गोवारी समाज संगठन, अन्य संगठनों ने यह मांग की है। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान तहसीलदार श्री देवांगन ने बताया कि नगर पालिका के सहयोग से आखर की भूमि स्थित अतिक्रमण को जल्द ही हटाया जाएगा। आज दो आखर समिति के कुछ सदस्यों ने आकर एक आवेदन दिया है कि उनकी दो आखर की जमीन पर कुछ दुकानें लोगों के द्वारा स्थायी रूप संचालित की जा रही है, तो उस पर हमने पटवारी को अभी मार्क किया है कि वो चिन्हित कर लें कितने व्यक्ति इस तरह से अतिक्रमण करके काबिज हैं, और जब पाए जाते हैं जितने व्यक्ति, उनको नगर पालिका के सहयोग से उनके अतिक्रमण को हटाया जाएगा और आकर की जमीन को मुक्त किया जाएगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निजी स्कूल की अनिश्चितकालीन हड़ताल का पालक संघ करेगा विरोध, हड़ताल के विरोध में पालकों ने दी FIR दर्ज करने की चेतावनी। 3 माह पूर्व बेचे गए चने का किसानों को नहीं मिला अब तक बोनस, सरकार के इस रवैये से किसान हुए नाराज। तेंदुए की खाल को बेचने निकले 2 आरोपियों को बैहर पुलिस ने किया गिरफ्तार, गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5 लाख की खाल बरामद। प्रेम संबंध के चलते एक युवती ने किया कीटनाशक दवाई का सेवन। संतान की दीर्घायु के लिए माताओं ने रखा व्रत, हर छठ पूजा कर की सुख समृद्धि की प्रार्थनाएं। और कृष्ण जन्माष्टमी पर बाजार हुआ गुलजार, जन्माष्टमी पर जिले भर में होंगे विभिन्न कार्यक्रम।
तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही, अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।